हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीटी जीटी पीजीटी की परीक्षा से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों को बताने वाले हैं जो आपको परीक्षा देने से पहले जान लेना चाहिए, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर अगस्त में आयोजित होने हैं और पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो सबसे पहले तो आपको जो OMR शीट मिलती है परीक्षा केंद्र में, उसको आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए रखना है। उसके बाद अब हम बात करें अगर पेपर सॉल्व करने की, OMR शीट को आपने अच्छे से भर लिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं परीक्षा देने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा में 125 प्रश्न आने हैं, तो आपको पहला ही प्रश्न देखकर नहीं घबराना। अगर मान लीजिए कि पहला प्रश्न आपको नहीं भी आता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। उस 125 क्वेश्चंस को आपको 25-25 के सेट में डिवाइड करना है और बहुत ही शांति से अपने पेपर को सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन पर बिल्कुल भी नहीं अटकना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन पर आपको कन्फ्यूज़न है, तो उस पर आपको नहीं अटकना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो पेपर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि 80-90 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें सॉल्व करें। उसके बाद आपके 40-45 जो भी क्वेश्चन बचते हैं, उनमें 5-6 क्वेश्चन आपके विवादित होंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपको आते तो हैं लेकिन आपको उसमें कन्फ्यूज़न है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे आखिरी का समय रखना है आपको। सबसे पहले जो आता है आपको अच्छे से वो आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं उन 40-45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो पहले उन कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन पे तर्क वितर्क लगाकर जो भी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन 10-15 या 20 क्वेश्चन की जो आपको नहीं आते हैं, तो उनके लिए आपको सोचना है और जो ऑप्शंस हैं उनको हटाना शुरू करना है। इससे क्या होगा, आप कम समय में अच्छे से पेपर दे पाएंगे। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी पहले ही क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं और उस क्वेश्चन में जुटे रहते हैं जो उनको नहीं आते, तो वो अपना पेपर का लॉस कर देते हैं और वो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनके छूट जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आने उसमें आपको अपना तर्क वितर्क लगाना है, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, यानी कि आप उन 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और उन 2 ऑप्शन में से आपको अपने दिमाग का, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके टिक लगाना है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए परीक्षा देने से पहले, अदरवाइज आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं, एकदम कॉन्फिडेंट से जाएं और आप 100% सफल होंगे। नमस्कार।